फार्मडी कैंडिडेट के लिए एक और अच्छी खबर जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मर्सर एकेडमी, दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले यानी कि एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि पीसीआई ने एक गैजेट निकाला था। उस गैजेट में ये मेंशन था, अगर वो वीडियो आपको डिटेल में चाहिए तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वो वीडियो दिख रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली उसको बता देता हूँ। देखिए उस वीडियो में ऐसा था, उस गैजेट में ऐसा था कि पीसीआई ने एक गैजेट निकाला था जिसमें कि हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जितनी भी पोस्ट होगी उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए कैंडिडेट को, वो फार्मडी जो कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल थे। आने वाले टाइम में आपको फार्मडी कैंडिडेट एक हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट पे दिखेंगे। अब एक और अच्छी खबर जो है फार्मडी कैंडिडेट के लिए ये आ गई है। आज नहीं तो कल ये खबर आनी ही थी, हमें पता ही। आने वाले टाइम से जितनी भी फार्मडी, बी फार्म और एम फार्म से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उन सब पे फार्मडी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि डी फार्मा वैकेंसी के लिए बी फार्म कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, वैसे ही अब सारी के सारी फार्मेसी कोई भी वैकेंसी आएगी जहां पे फार्मडी कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे। इनकी मैं बात करूं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रिकमेंडेशन फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 दैट डिसाइड द पर्सन होल्डिंग फार्मडी क्वालिफिकेशन बीइंग हायर क्वालिफिकेशन सेल ऑटोमेटिकली बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट वेयर पर्सन होल्डिंग डी फार्मा, बी फार्मा एंड एम फार्मा इज एलिजिबल टू अपॉइंटेड। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही फार्मा रिलेटेड न्यूज अपडेट के लिए, जी हाँ, जहां आपको मिलती है सटीक और सही जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।